तो ऑल राइट गाइस, क्या तुम लोगों को पता है फ्री फायर में एक ऐसा लड़का भी है जिसने क्लास कॉल्ड रैंक में 800 से भी ज्यादा ग्लोबल ली थी। अब तुम लोग बोलोगे यार तीन ही तो ले पाते, तो 800 उसने कैसे ली थी, आज की इस वीडियो में गाइस तुम्हें पता चलेगा। एंड एक बंदा ऐसा भी है जिसने अपने गेस्ट अकाउंट में 30 मिलियन से भी ज्यादा डायमंड और 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉइन रख रखे थे। तो यार ये टोटली इम्पॉसिबल सा लगता है। तो यार आज की इस वीडियो में गाइस तुम्हें कुछ ऐसी ही चीज पता चलने वाले है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी है। तो यार गाइस ये वीडियो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते अपना वीडियो, लेट्स गो। नंबर वन गाइस, आप लोग को टोंडे गेमर के बारे में पता ही होगा। गाइस टोंडे गेमर ने फुल मैप में रैंक मैच की मैं बात कर रहा हूँ, रैंक मैच में गाइस 30 बंदे से भी ज्यादा बंदों के साथ टीम अप किया था। अब ये गाइस देखने में थोड़ा इम्पॉसिबल से लगता है यार, आप मान के चलो 50 बंदे पूरे मैच में होते हैं, 30 बंदों से भी ज्यादा किया था उन्होंने, आपस में लड़ाई वड़ाई करके खत्म कर दिया। एंड में गाइस 25 बंदे ही बचे थे जो आप वीडियो देख रहे हो। गाइस टोंडे गेमर ने 30 बंदों के साथ टीम अप किया था, ये एक हिस्ट्री भी बन सकती है पूरी फ्री फायर की। मतलब यार अमेजिंग अमेजिंग टोटली गाइस, क्या ये आप लोगों को पता था? अगर नहीं पता था तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर ही देना। एंड अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। गाइस सेकंड नंबर पे जो रिकॉर्ड आता है वो है हेडशॉट का। गाइस देखो, अभी से कुछ महीने पहले फ्री फायर में एक ग्लिच हुआ था, जिस कारण आप वीडियो में देखो ऊपर से बंदे गिर रहे, ना ही कोई मूवमेंट, ना ही इधर उधर, सीधा आके खड़े हो जा रहे। एंड तब सिर्फ एक ही बंदे का नेट चल रहा था, बाकी जितने भी बंदे ने मैच स्टार्ट किया था वो सबका ऑटोमेटिकली बैक हो जा रहा था। एंड जो ये बंदे देख रहे हो गाइस, यही बंदा सबको हेडशॉट से मार रहा था। इस बंदे के तो गाइस बल्ले बल्ले भाई, खतरनाक ही सीन हुआ इसके साथ। एंड जितने भी बंदे आए थे पूरे मैच में, इसने लगभग लगभग गाइस टोटली सभी को ही हेडशॉट से मारा था। एंड ये भी गाइस फ्री फायर का एक रिकॉर्ड बन सकता है। आपको क्या लगता है गाइस, आप कमेंट पे मुझे बताओ, क्या ये फ्री फायर का रिकॉर्ड बन सकता है कि इसने टोटली सब बंदों को हेडशॉट से मारा है? कमेंट पे जरूर से बताना। एंड गाइस मैंने आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है, जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हूं। आप जितने भी बंदे देख रहे हो उसका लिंक गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड हाँ, फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे रिडीम कोड में देते रहता हूँ। एंड अब बात करते हैं नंबर 3 की। गाइस देखो, एक बंदा है जिसने गाइस 0 के डैमेज में, मतलब एक भी उसने डैमेज नहीं दिया, एक भी किल नहीं किया, एंड वो गोल्ड से, मतलब जो भी था प्लैटिनम गोल्ड से, डायरेक्ट हीरोइक पर गया है। अब यार टोटली इम्पॉसिबल सा लग रहा है ना आपको, यार कैसे एक बंदा इतना कैंपिंग कैसे कर सकता है? तो आप पीछे क्लिप देख लो गाइस, इस बंदे ने गाइस बुइया भी करा है, मतलब 0 डैमेज देके बुइया भी करा है, हीरोइक पर भी गया है, विदाउट एक भी किल, एक भी डैमेज। अब मैं श्योर हूँ ये चीज सुनने के बाद आप लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, अगर आपको यही लगता है कि यार भाई ये तो टोटली इम्पॉसिबल है, तो आप नेक्स्ट सुनो नंबर 4 पर जो मैं बताऊंगा, ये तो आप सोच के बेहोशी हो जाओगे। गाइस देखो, एक गेस्ट अकाउंट में 30 मिलियन डायमंड प्लस 30 मिलियन कॉइन क्या कोई कर सकता है? अब आप लोग बोलोगे यार ये तो इम्पॉसिबल है यार, मैं अपने मेन अकाउंट में भी 30 मिलियन डायमंड ना ले पाऊं पूरे जिंदगी में, तो गेस्ट अकाउंट में कैसे पॉसिबल है? बट ये चीज रियलिटी में हो रखा है। गाइस आप टू साइड गेमर्स को तो जानते ही हो, गाइस टू साइड गेमर्स जब वो मैच था उनका क्वालिफाई हो गए थे एक टूर्नामेंट में, तब वो गाइस खेलने के लिए थोड़ा फॉरेन कंट्री गए थे, सिंगापुर या फिर कहीं और गाइस, तब उनको ये गेस्ट अकाउंट दिया गया था। एंड इस गेस्ट अकाउंट में 30 मिलियन डायमंड, 30 मिलियन कॉइन, इसके अलावा पूरा एलाइट पास सीजन 1-2 रेड क्रिमिनल जो भी होता है टोटली सब चीज प्रेजेंट था एक गेस्ट अकाउंट में। अब आप लोग सिर्फ एक बार सोच के देखो, टू साइड गेमर्स का ऋतिक जो था उसको गाइस जब पता चला कि ये गेस्ट अकाउंट है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा? आप मुझे कमेंट पे जरूर बताओ, मैं सबका देखूंगा। एंड अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पे जिसके ऊपर हम बात करेंगे गाइस, वो है ग्लू बॉल। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सीएस रैंक में ज्यादा से ज्यादा कितना ग्लू बॉल ले सकते हो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, 90-99% लोग बोलेंगे कि हम 3 ग्लू बॉल ले सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम मांगे तो यार 6-7-12 इतना मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बंदा है जिसने क्लास कोड रैंक में 785 ग्लू बॉल लिए थे, तो आप लोग क्या बोलोगे? बोलोगे ना कि यार भाई मैं झूठ बोल रहा हूं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो फोटो गाइस, एक बंदा है इसने गाइस सीएस रैंक में
785 ब्लू बॉल लिए थे। अब मैं आपको बताता हूं यार कैसे पॉसिबल हुआ। गाइस जो सीएस रैंक जब हाल ही में स्टार्ट हुआ था तब सीएस रैंक में गाइस कोई भी लिमिट नहीं हुआ करती थी, आपको जितने ग्लू बॉल चाहिए आप परचेस कर सकते थे, प्लस उसमें गाइस आपको डिस्काउंट भी मिलता था। जैसे अभी 300 का ग्लू बॉल मिलता है आपको पता ही होगा, पर उस टाइम गाइस 300 से सस्ता मिलता था, तो आप ज्यादा ग्लू बॉल भी परचेस कर सकते हो, प्लस आपको सस्ता भी ग्लू बॉल मिल रहा है। और अब अपने दोस्तों से लोगे तो यार ऐसे करते करते शायद उस बंदे ने 785 ग्लू बॉल किए होंगे। गाइस ये रिकॉर्ड क्या आपको पता था? एंड इतने ज्यादा ग्लू बॉल के बारे में क्या कभी आपने सोचा था कि कोई कर पाएगा? आप यार कमेंट पे बता देना। अगर हाँ, अगर ये आपको नहीं पता था ना, तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना, बिकॉज यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।